दोस्तों ऐसा लगता है इंसान के अंदर इंसानियत जो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। मैं सभी इंसानों की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके अंदर सही में इंसानियत जो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो दोस्तों आपने न्यूज सुनी होगी कि कल कानपुर में क्या हुआ। अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं उसी वाक्य के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि मैंने जो कहा कि इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो रही है, क्या ये बात सही है या नहीं है, और मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो ये अनहोनी हुई है इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है कानपुर, कानपुर में एक जगह है सर्वोदय नगर। सर्वोदय नगर का ये वाक्य है, ये वाक्य जो है सर्वोदय नगर में रात को घटित हुआ। और इस वाक्य में हुआ क्या, एक बाहुबली बिजनेसमैन है जो अपनी फैक्ट्री से शाम के समय लौट रहे थे, और जब वो लौट रहे थे तो उनके ऊपर कुत्तों ने जो है भौंकना शुरू कर दिया, और जिसके चलते जो है उन्होंने दो डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स जो थे उनको उठा के गोली मार दी, जिसमें से एक का नाम था शेरू और दूसरे का नाम था ब्राउनी। एक मेल डॉग था, एक फीमेल डॉग थी। शेरू जो है ऑन द स्पॉट वहीं एक्सपायर हो गया, और ब्राउनी का जो है आज की डेट में ट्रीटमेंट चल रहा है सरकारी अस्पताल में। दोस्तों जो हमारे पशु चिकित्सक हैं वो उसका इलाज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो ब्राउनी है वो सिंगल नहीं थी, उसके अंदर जो प्रेग्नेंट थी और उसके अंदर जो बेबीज थे, तो सिर्फ और सिर्फ दो डॉग्स के ऊपर गोली नहीं चली है, ये अप्रॉक्स 6 से 8 डॉग्स के बीच पे गोली चली है। क्योंकि जब कोई भी एक डॉग प्रेग्नेंट होती है तो वो 6 से 8 बच्चे तक देती है। तो आप खुद सोचिए कि ये कितना सेंसिटिव मामला है कि किसी इंसान ने अपनी क्रूरता के चलते जो है इन जानवरों के ऊपर गोली चलाई। अब दोस्तों गोली क्यों चलाई इन्होंने, नॉर्मल सी बात है, कुत्तों के अंदर टेंडेंसी जो होती है भौंकने की होती है। और कुत्ता भौंकता कब है, जब उसको सामने वाले पर्सन से जो है डर लगता है, खतरा महसूस जब होता है सामने वाले पर्सन से, तब जो है कुत्ता अपनी सेफ्टी के लिए भौंकता है। तो उसको इंसान को सिंपल सा अवॉइड कर देना है उसके पास से, उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे वो अवॉइड करके वहां से जा सकता है, लेकिन गोली मार देना कौन सा तरीका है दोस्तों। अब दोस्तों ये पूरा वाक्य हुआ कैसे, हम अपनी फैक्ट्री से आ रहे थे तो उनके अड़ोस पड़ोस वाले ने बताया कि वो जो है उस समय नशे में धुत थे, जब उन्होंने शराब पी रखी थी और जब वो अपने घर की तरफ आ रहे थे तो शेरू और ब्राउनी जो है उनके ऊपर भौंकने लगे। उनको हो सकता है किसी तरह का खतरा महसूस हुआ हो, क्योंकि नशे में आदमी कुछ भी करता है उसको होश तो रहता नहीं है। जब शेरू और ब्राउनी खतरा महसूस हुआ तो भौंकने लगे, अपने रिवॉल्वर निकाल के वहां पे फायर करना शुरू कर दिया, जिससे गोली जो है शेरू को भी लगी और ब्राउनी को भी लगी। तो शेरू तो ऑन द स्पॉट ही एक्सपायर हो गया, और ब्राउनी जो है क्रिटिकल कंडीशन में थी। तो गोली की आवाज सुन के जो वहां से लोग बाग थे वो बाहर निकल के आए, तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ, तो देखा जितेन जी थे। अब उनसे पूछा गया कि आपने क्या किया, गोली क्यों चलाई, और सारी चीजें उनसे पूछी गई, और वहां पे तुरंत जो है पुलिस वालों को फोन किया गया और उनको बताया गया ये ऐसे ऐसे मामला है। और जो शेरू को जब चेक किया गया तो शेरू में कोई भी जान नहीं बची थी, वो ऑन द स्पॉट डेड हो चुका था, लेकिन ब्राउनी में जान बची थी। तो जो मोहल्ले वाले थे वो नजदीकी पशु चिकित्सक के पास लेके गए, और आज की डेट में उसका इलाज हो रहा है। वहीं से उनको पता चला कि ब्राउनी जो है अकेली नहीं थी, ब्राउनी के पेट में बच्चे भी थे, वो एक प्रेग्नेंट फीमेल थी। क्या डॉग का भौंकना जो है इतनी क्रूर अपराध है कि आदमी ने उसे गोली मार दी या उसे डंडे से मारता है? तो दोस्तों डॉग्स का जो भौंकना है वो एक उसकी नॉर्मल सी टेंडेंसी है। क्या आप डॉग को भौंकने के लिए इतनी बड़ी सजा देंगे? भाई अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, आप क्या वहां भी जाके गोली मार देंगे? आप उनको तो गोली नहीं मार देते, क्यों? क्योंकि वो पलट के आपको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अगर आप एक मारेंगे तो पलट के दो मार सकते हैं, लेकिन ये डॉग ऐसी चीज है कि ये पलट के कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, ये बेजुबान है, ये अपनी शिकायत भी किसी से नहीं कर सकते हैं या किसी से कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमें इससे परेशानी है या हमें इसने तकलीफ पहुंचाई है। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कभी भी ऐसे कोई चीज देखें तो आप अपना रास्ता वहां से डाइवर्ट कर लीजिए या थोड़ी देर वेट कर लीजिए, वहां से निकल जाइए। इन बेजुबानों को मारने की दोस्तों क्या जरूरत है, नॉर्मल सा आप एक छोटा सा पत्थर भी उठा सकते हैं और रोड पे फेंक सकते हैं ताकि उससे वो जो है साइड हट जाए। सर्दियों में ज्यादातर टेंडेंसी होती है कि रात के समय अगर कोई व्यक्ति आएगा तो डॉग ऑब्वियसली बात है भौंकते हैं, 90% डॉग जो है भौंकते हैं, और वो अपनी सिक्योरिटी के लिए या वो जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उनको लगता है कि वहां पे कोई ऐसा अननोन पर्सन आ गया है, उसकी सेफ्टी के लिए वो वहां पे भौंकते हैं, लेकिन उसके लिए गोली मार देना किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं है। इन्हीं सब चीजों को दोस्तों देखते हुए सरकार ने एनिमल क्रुएल्टी एक्ट लाया था। तो दोस्तों मेरा लास्ट में यही कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स भी डॉग होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम अपने घर में किसी अच्छी ब्रीड को ही लाके पालें, हम अपने घर में स्ट्रीट डॉग्स को भी रख सकते हैं। अगर हम घर में नहीं रख सकते हैं, तो बाहर आप डेली उनको फूड भी दे सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट गार्डिंग डॉग है।
तो दोस्तों मेरा अंत में आपसे यही कहना है कि अगर आप भी अपने आस पड़ोस में या कहीं किसी को देखते हैं कि वो जानवरों के साथ कोई भी बदसलूकी कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है या किसी भी तरह की कोई जो उनको प्रताड़ना दे रहा है, तो आप जो है फौरन अपने नजदीकी पुलिस थाने से संपर्क करें, वहां पे उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाइए और जो है किसी भी एनिमल एनजीओस को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं और या फिर आप हमें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू, हमारे मेल पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें या इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।